Hi guys, this is Taukeer Alam here. Today we are going to translate a story, an English story into Hindi. This is very interesting story, friends. Friends, आज हम एक English story को हिंदी में translate करेंगे. और friends, यह एक emotional story है, जो हमें कुछ message देती है. क्या message देती है? चलिए इसे translate करते हैं और इस story को सुनते हैं. फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो उर्दू में देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल उर्दू टू इंग्लिश बाय आलम पर जाएं, जहां आपको उर्दू वाले वीडियोज मिल जाएंगे. चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं. देयर वाज अ पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार था. कैसे आप समझेंगे कि इसका ट्रांसलेशन हुआ एक गरीब परिवार था? आइए आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाते हैं. बहुत सारे लोग देयर के यूज में कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि देयर थोड़ा कंफ्यूज करने वाला लेसन होता भी है. अगर किसी सेंटेंस के शुरुआत देयर से है तो आमतौर पर वहां देयर का कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन वही देयर जब वर्ब के बाद लिखा जाता है, यानी सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता है, तो उसका एक अपना मीनिंग होता है, यानी देयर का मीनिंग वहां होता है. लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत ही देयर से हो तो इस कंडीशन में देयर का कोई मीनिंग नहीं होता. फ्रेंड्स, मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जहां मैंने देयर के बारे में डिटेल से बताया है. अगर आप देयर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए फ्रेंड्स, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. जैसा कि आप जानते हैं, मैंने ट्रांसलेशन के लिए दो ट्रिक बनाया हुआ है और उसी के सहारे हम इंग्लिश वाले सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं या हिंदी वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं. अगर आप मेरे वीडियो को रोज देखते हैं तो ये बात आपको पहले से पता है कि वह रूल क्या है. इसको हिंदी में ऐसे ट्रांसलेट करेंगे फ्रेंड्स, जो वर्ड सबसे पहले है उसका हिंदी हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जो वर्ड दूसरे नंबर पर है उसका अंग्रेजी हम तीसरे नंबर पर लिखेंगे, और बाद में जो वर्ड्स होते हैं उनका अंग्रेजी हम दूसरे नंबर पर लिखेंगे. चूंकि अगर देयर का यूज शुरुआत में हुआ है तो उसका कोई हिंदी होता नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे अ पुअर फैमिली, यानी एक गरीब परिवार. और वाज को हिंदी में कहते हैं था. जो वर्ड सबसे पहले था उसका हिंदी मैंने नहीं लिखा, उसका हिंदी छोड़ दिया जाता है. उसके बाद लास्ट वाले वर्ड का हिंदी मैंने दूसरे नंबर पर लिखा, और जो वर्ड बीच में था उसका हिंदी मैंने तीसरे नंबर पर लिखा. यह ट्रिक है फ्रेंड्स, आपको पहले से पता है, क्योंकि इस ट्रिक पर मैं 100 से ज्यादा वीडियोज बना चुका हूं. आइए फ्रेंड्स, अब इसको ट्रांसलेट करते हैं. अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? जो वर्ड सबसे पहले होगा उसका अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर हम पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आएंगे. आप सोचेंगे, अभी मैंने कहा जो वर्ड सबसे पहले है उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, और जो वर्ड दूसरे नंबर पर है उसका अंग्रेजी हम तीसरे नंबर पर लिखेंगे, और जो बाकी वर्ड्स बच रहे हैं उसका अंग्रेजी हम दूसरे नंबर पर लिखेंगे. और यहां मैं आपको बता रहा कि जो वर्ड सबसे पहले है उसका अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखिए, फिर पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आइए. हो सकता है फ्रेंड्स, आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हो गए हों. तो फ्रेंड्स, मैंने दो ट्रिक बनाया हुआ है. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को देखिए कि कौन सा ट्रिक कब यूज करना है. आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको रूल आसानी से पता चल सके. फोर persons means चार लोग या चार व्यक्ति या चार इंसान. आइए फ्रेंड्स, पीछे चलते हैं. इन दैट फैमिली, इन दैट फैमिली का मतलब होता है उस परिवार में. आगे ये फ्रेंड्स लिखा है लिव्ड, और लिव्ड का मतलब होता है रहते थे. फोर persons lived इन दैट फैमिली, चार लोग उस परिवार में रहते थे. यानी पूरी बात हुई, देयर वाज अ पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार था. फोर persons lived इन दैट फैमिली, चार लोग उस परिवार में रहते थे. आइए फ्रेंड्स, अब इसको ट्रांसलेट करें. मदर यानी माँ, फादर पापा, एंड और टू चिल्ड्रेन दो बच्चे. माँ पापा और दो बच्चे. आइए फ्रेंड्स, अब इसको ट्रांसलेट करते हैं. Their father was a cancer patient. सबसे पहले लिखा है their father. हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले हम their father का अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसका हिंदी हम तीसरे नंबर पे ट्रांसलेट करेंगे,
फिर जो वर्ड्स बचे उसका अंग्रेजी हम दूसरे नंबर पर ट्रांसलेट करेंगे। तो देयर फादर यानी उनके पिताजी या उनके पापा। आई फ्रेंड्स, अब दूसरे नंबर वाले को ट्रांसलेट करते हैं। अ कैंसर पेशेंट यानी एक कैंसर के रोगी थे। यहां आपको वाज दिख रहा है यानी था थी थे, हम लिखेंगे थे। हिज फादर वाज अ कैंसर पेशेंट, उसके पापा एक कैंसर रोगी थे। सबसे पहले मैंने देयर फादर का हिंदी लिखा, उसके बाद अ कैंसर पेशेंट, फिर मैंने वाज के लिए थे लिखा। यहां लिखा है फ्रेंड्स सून यानी जल्द ही। आइए अब इसे ट्रांसलेट करें। सबसे पहले लिखा है ही यानी वह, और लास्ट में लिखा है डाइड यानी मर गए। गुजरी हुई बात है फ्रेंड्स, सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है, और ये बात मैंने पार्ट 7 में आपको बखूबी बताया। Their father was a cancer patient, उसके पापा एक कैंसर रोगी थे। Soon, जल्द ही, he died, वह मर गए। Neighbors sent them food till many days. आइए फ्रेंड्स इसको ट्रांसलेट करते हैं। पड़ोसियों ने, आइए फ्रेंड्स अब पीछे चलते हैं। Many days यानी कई दिनों तक, और आगे ये यहां लिखा है फूड और यहां लिखा है देम। फ्रेंड्स देम और फूड दोनों ऑब्जेक्ट हैं, और मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, पहला लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग, यानी एक वो जिसके अंदर जान होती है और दूसरा वो जो बेजान होती है। और मैंने वहां बताया फ्रेंड्स कि अगर आपके वीडियो में दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ मिलते हैं यानी लिविंग और नॉन लिविंग, तो जब आप पीछे से आगे की ओर आएंगे तो सबसे पहले आपको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से मुलाकात होगा, यानी सबसे पहले आप उस ऑब्जेक्ट को पाएंगे जो बेजान होता है, उसके बाद आपको वो ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसके अंदर जान होती है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप ऐसा करें जिसके अंदर जान है उसका ट्रांसलेशन आप पहले कर दें और जो बेजान है उसका अंग्रेजी अगर आप बाद में कर दें, तो ऐसा करना अच्छा माना जाता है, तो यहां हम ऐसा ही करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे देम यानी उन्हें, और फूड मीन्स होता है खाना। आइए फ्रेंड्स अब लास्ट वाले वर्ड का ट्रांसलेट करें, सेंट। नेबर सेंट देम फूड टिल मेनी डेज, पड़ोसियों ने कई दिनों तक उन्हें खाना भेजे, यानी पड़ोसियों ने कई दिनों तक उन्हें खाना पानी भेजे। यहां लिखा है फ्रेंड्स लेटर ऑन यानी बाद में। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। दे बिगन टू रिमेन हंगर, सबसे पहले लिखा है दे यानी हम लिखेंगे हुए, पीछे आइए क्योंकि यहां पर फुल स्टॉप है इसीलिए हम इसके पहले ही ट्रांसलेट करेंगे। हंगर यानी भूखा या भूखे, रिमेन का मतलब होता है फ्रेंड्स रहना, हम लिखेंगे रहने, और बिगन का मतलब होता है रहने लगे या शुरू कर दिए, और ये सेकेंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म में बिगिन कहते हैं यानी शुरू कर देते हैं या लगते हैं। दे मीन्स वे, पीछे आइए, हंगर मीन्स भूखा, रिमेन मीन्स रहने, और बिगन मीन्स लगे। दे बिगन टू रिमेन हंगर, वे भूखा रहने लगे, और ये ट्रांसलेट हुआ। आइए फ्रेंड्स अब आगे ट्रांसलेशन का काम जारी रखते हैं। यहां लिखा है देयर मदर, उनकी माँ। आइए पीछे चलते हैं। लास्ट में लिखा है मेनी डेज यानी कई दिनों, यहां लिखा है टिल यानी तक, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। एनी हाउ जैसे तैसे, जैसे तैसे कहने का मतलब है फ्रेंड्स किसी भी तरह। यहां लिखा है देम यानी उन्हें, और यहां लिखा है फेड, फीड मीन्स होता है खिलाना, लेकिन फेड उसका गुजरा हुआ शक्ल है जिसका मतलब होता है खिलाया या खिलाई। Their mother fed them anyhow till many days. उसकी माँ कई दिनों तक जैसे तैसे उन्हें खिलाई, यानी उसकी माँ ने किसी भी तरह अपने बच्चों को कुछ दिनों तक खिलाई। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखा है दे, और दे मिस होता है वे। फ्रेंड्स मैंने अपने इस वीडियो में बताया कि ये सभी वर्ड्स सब्जेक्ट के तुरंत बाद होते हैं, लेकिन इनकी अंग्रेजी बाद में नहीं लिखी जाती है, बल्कि इनकी अंग्रेजी सब्जेक्ट के साथ ही लिखी जाती है, यानी इनकी अंग्रेजी तुरंत लिखी जाती है,
उम्मीद है आपको ये बात पता होगा क्योंकि आप इस वीडियो को देखे होंगे। तो हम लिखेंगे दे मिस वे और ऑफन मिस होता है अक्सर, एट नाइट मिस होता है रात में, और आ गया ये हंगर मिस होता है भूखा, और सिलेक्ट मिस होता है सोते थे। फ्रेंड्स स्लीप का मतलब होता है सोना और ये पहला फॉर्म होता है, लेकिन जब बात गुजर जाए तो हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं और स्लीप का सेकेंड फॉर्म सिलेक्ट होता है सोते थे। दे ऑफन स्लेप्ट हंगर एट नाइट, वे अक्सर रात में भूखा सोते थे। आगे लिखा है फ्रेंड्स एज ए रिजल्ट, नतीजे में हर एल्डर सन फेल इल। हर एल्डर सन यानी उसका बड़ा बेटा, जैसा कि फ्रेंड्स मैंने कहानी के शुरू में बताया कि उसके दो बच्चे थे, एक लड़का और एक छोटी सी बच्ची। हिज एल्डर सन उसका बड़ा बेटा, पीछे आइए फ्रेंड्स, इल मिस होता है बीमार और फॉल मिस होता है पड़ जाना, यानी फॉल इल का मतलब होता है बीमार पड़ जाना और यहाँ सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है यानी फेल इल बीमार पड़ गया। एक दिन उसका बड़ा बेटा बीमार पड़ गया एंड और इन नो टाइम एक टॉपिक है फ्रेंड्स, मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है और इसका मतलब होता है पल भर में या देखते ही देखते या बहुत कम वक्त में, यानी अगर आपको कहना हो देखते ही देखते तुम अंग्रेजी बोलने लगे, यानी बहुत कम ही वक्त में तुम अंग्रेजी बोलने लगे। इन नो टाइम यू बिगेन टू स्पीक इंग्लिश, देखते ही देखते वह रोने लगी। इन नो टाइम सी स्टार्टेड टू वीप। तो फ्रेंड्स इन नो टाइम का मतलब होता है देखते ही देखते या बहुत कम वक्त में। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखा है ही यानी वह, पीछे आइए स्पीकिंग एंड लिसनिंग, सुनना और बोलना, सुनना और बोलना। और यहां लिखा है फ्रेंड्स स्टॉप्ड यानी छोड़ दिया या बंद कर दिया। ही स्टॉप्ड लिसनिंग एंड स्पीकिंग, वह सुनना और बोलना बंद कर दिया या छोड़ दिया। वन डे एक दिन, द लिटल गर्ल आस्क्ड हर मदर, द लिटल गर्ल यानी छोटी बच्ची, पीछे आइए हर मदर अपनी माँ से। फ्रेंड्स हो सकता है आप सोचें कि हर मीन्स तो उसका उसकी होता है, मैंने अपनी क्यों लिखा, तो मैं कहूँगा फ्रेंड्स कि हर मीन्स उसकी होता है लेकिन हर मीन्स अपनी भी होता है, उसी तरीके से माय मीन्स मेरा होता है लेकिन माय मीन्स अपना भी होता है, योर मीन्स तुम्हारा और अपना दोनों होता है, हिज मीन्स उसका और अपना दोनों होता है, देयर मीन्स उन लोगों का और अपना दोनों होता है, क्योंकि जल्दी ही मैंने आपको यह वीडियो दिया था। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को देखे हैं और आपको ये बात पता है। आस्क्ड का मतलब होता है पूछी, द लिटल गर्ल आस्क हर मदर, छोटी बच्ची अपनी माँ से पूछी। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। फ्रेंड्स यह एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और मैंने अभी तक जो आपको रूल बताया कि जो वर्ड सबसे पहले हो उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखिए फिर पीछे से आगे की ओर आइए, ये सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए था। अगर आप किसी भी टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैंने एक खास ट्रिक बताया है जिसकी मदद से किसी भी तरह के इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस को, चाहे उसमें हाउ मेनी का यूज हो या हाउ मच का, What, why, when, where, who, whom, whose, आप बड़े आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। When would the brother die, भाई कब मरेगा। Listening this, यह सुनते हुए, आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करें, हर मदर उसकी माँ agonized यानी तड़प उठी। Agonized का मतलब होता है फ्रेंड्स तड़प जाना, agonized तड़प उठी। एंड और सी आस्क्ड, सी मीन्स वह, आस्क्ड मीन्स पूछी। आइए फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट करें, व्हाई डिड यू स्पीक सो, तुमने ऐसा क्यों बोला। यह भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स और मैंने यहाँ पर एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करके नहीं बताया कि कैसे ट्रांसलेट हुआ, आप इस वीडियो को देखिएगा फ्रेंड्स।
बड़े आसानी से आप इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लेंगे। व्हाई डिड यू स्पीक सो, तुमने ऐसा क्यों बोला। यहाँ लिखा है सी यानी वह, रिप्लाइड जवाब दी, यानी वह बच्ची जवाब दी। नेबर्स गिव फूड, सबसे पहले लिखा है नेबर, पड़ोसी लोग, पीछे आइए, फूड यानी खाना, और गिव मींस होता है देते हैं। नेबर्स गिव फूड, पड़ोसी लोग खाना देते हैं। व्हेन यानी जब, यहाँ लिखा है समवन कोई, यहाँ लिखा है डाइज यानी मरता है। नेबर्स गिव फूड, पड़ोसी लोग खाना देते हैं। व्हेन समवन डाइज, जब कोई मरता है। तो फ्रेंड्स ये कहानी खत्म हुई। यह कहानी हमें बताती है कि आपकी रोजी में गरीबों का हक है जो आपको अदा करनी चाहिए। फ्रेंड्स आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।